हमारे पास आज ये गाड़ी आई है अर्बन क्रूज़र, हम इसमें 360 इंस्टॉल करेंगे और आपको दिखाएंगे कि फुल फिटिंग कैसे होती है। फोर कैमरा 360 इंस्टॉल हो रहा है, जो कि अपना कपलर टू कपलर बिल्कुल फिटिंग होगा और कैलिब्रेशन भी क्लॉथ के साथ होगा। तो आइए आगे प्रोसेस करते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं इसको। जो कि मिरर के अंदर जो कि आराम से धीरे धीरे खोला जाएगा, प्रॉपर तरीके से भी वर्क होगा। ओपन हो चुका है, ठीक है। अभी ये अपने तीनों स्क्रू खुलेंगे और इसके बाद जो मिरर खुलेगा, मिरर के अंदर कैमरा इंस्टॉल होगा जो राइट साइड का है, फिर लेफ्ट साइड का करेंगे, फिर उसकी वीडियो दिखाएंगे। ये हमारा साइड मिरर राइट का ओपन हो चुका है और जो अब इसमें ड्रिल करेंगे हम यहाँ पे कैमरा लगाने के लिए, जो आपका 360 में 180 का आता है फ्रंट का, वो लगेगा यहाँ पे। ये हमारा एक मिरर फोल्डर में अपना ये फ्रंट कैमरा का लग गया है राइट का, आप देख सकते हैं बिल्कुल। ये जो कपलर के अंदर ही हमने नॉन कटिंग के साथ कपलर के अंदर ही ये वायरिंग फंसा दी अपनी, ठीक है। ये वायरिंग कैमरे की आ गई, जो कैमरा है ये आ चुका है, इसकी वायरिंग अंडर पास करके आई है, ठीक है। ये अपना लेफ्ट का डोर है जो हमने मिरर फोल्डर निकाल रखा है इसका साइड का कैमरा लगाने के लिए। ये अपना मिरर फोल्डर में कैमरा इंस्टॉल हो गया है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से जो कटिंग होती है। और ये पूरा पैनल खोलना पड़ता है, ये अपनी लीड आ गई जो यहाँ पर इंस्टॉल होगी, इसकी लीड 360 का। ये राइट का कैमरा है, राइट कैमरा 360 फ्रंट कैमरा। ये लेफ्ट कैमरा है मिरर के अंदर, लेफ्ट कैमरा। रिवर्स कैमरा जो बैक करते समय मूव दिखाएगा हमें, ये रिवर्स कैमरे का है। ये हमारा अर्बन क्रूज़र में सिस्टम लग चुका है 360 योंकर का है, जो 232 है, और इसमें अपना पूरा 360 का विज़न हम आपको दिखा रहे हैं। 360 ये आपका अभी इस टाइम पे रिवर्स का चल रहा है, अपना जो 3D एनिमेशन आता है ये आता है। 3D एनिमेशन में आप हैंड से भी आप स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपका ये फ्रंट आ गया, ये रिवर्स आ गया आपका, ये लेफ्ट, ये राइट आ गया, और ये दोनों साइड का एंगल आ गया आपका, राइट लेफ्ट दोनों का एंगल। और ये 180 में आपका पीछे का व्यूज आ जाएगा और फ्रंट में आपका ये 180 का आ जाएगा, ठीक है। और 3D एनिमेशन में आपने देखना है तो ये देखने के लिए आपका आ जाता है, पूरा 3D में चलता है। और प्लस इसमें जो आप नॉर्मल पे रखेंगे गाड़ी को, रिवर्स लगाएंगे, जैसी रिवर्स मोड पर लगाते ही आपको ऑटोमेटिक रिवर्स चलेगा, और रिवर्स हटाने के बाद 10 सेकंड तक फ्रंट का मूव रहता है कैमरा, वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है ड्राइविंग, जैसे आप स्लो करेंगे वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। फीचर और आता है कि इंडिकेटर अगर हम देंगे राइट का, फिर राइट का इंडिकेटर पे मोशन करेगा कैमरा, और ये अब हम लेफ्ट का देंगे तो ये लेफ्ट के कैमरे पे ऑटोमेटिक इंडिकेटर पे ऑटोमेटिक कैमरा लेफ्ट राइट दोनों चालू हो जाता है अपना।